हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा की रसोई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भरवा करेले की रेसिपी। तो चलिए हम इसे देखते हैं, ये सबों को पसंद होती है, तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं 3 करेले ले ली हूँ, थोड़े बड़े साइज की ली हूँ। तो अब हम इसको दोनों साइड से इसका छोटा थोड़ा सा काट लेंगे और इसके ऊपर से छुरी की सहायता से खरोंच लेंगे। इस तरह से खरोंच लेंगे जिससे कि ये इसका छिलका पतला हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए और ये खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम दोनों ओर से काट लेंगे और इस तरह से खुरच लेंगे। अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से धो करके और इस तरह से हम गोल गोल टुकड़े में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे पूरे करेले का भी बना सकते हैं, समूचे करेले का, लेकिन इस तरह से बनाने पर आप इसे सर्व करने में आपको आसानी होगी। अगर किसी को थोड़ा सा चाहिए तो आप इसे एक एक पीस करके दे सकते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इसे हम बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसके बीजों को निकाल लेंगे और ये बीज का देखिए खाली हो गया है जिसमें कि हम मसाले भरेंगे। तो इस तरह से हम सारे करेले का निकाल लिए हैं। और इसका जो खुरचन है वो भी हम रख दिए हैं उसे हम, और यहाँ पे हम सरसों और लहसुन का पेस्ट बना लिए। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में हम 2-3 प्याज डाले हैं, जब प्याज ज्यादा मात्रा में डालना है, और जो करेले का खुरचन था वो भी सारा हम इसमें डाल दिए हैं। उसे फेंकना नहीं है क्योंकि वो फायदेमंद होता है। और जो सरसों और लहसुन की पेस्ट हम बनाए हैं उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और खट्टे के लिए हम एक छोटा आम लेंगे, कच्चा आम ले सकते हैं। तो हम एक छोटा कच्चा आम लिए हैं, उसे क्रश करके और एक इसमें डालेंगे खट्टेपन के लिए, क्योंकि ये खट्टा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खट्टापन से ही ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक आम को क्रश करके डाल दिए हैं, कद्दूकस करके कर सकते हैं, या फिर आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम 1 चम्मच हल्दी डाल दिए हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे क्योंकि धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना है, और इसमें मिर्च पाउडर नहीं पड़ेगा। और इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा पतला कर देंगे, और जो हम करेले को काट करके रखे हैं इसी में डाल करके पकाएंगे। उससे क्या होगा कि वो पक भी जाएंगे और उसके अंदर भी मसाले का टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें डाल करके पका देंगे। आप चाहे तो अलग से भी उसे पानी में डाल करके पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से पकाने से फ्रेंड ये मसाले उसमें अंदर में भी चले जाएंगे करेले के अंदर, और ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब देखिए, 10 मिनट पकने के बाद हम इसे गैस बंद कर लेंगे और सारे करेले को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चम्मच की सहायता से हम सारे करेले को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम देखिए सारे को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक बर्तन में हम तेल गर्म कर लिए हैं, और जो मैं मसाले को जिसमें पकाई थी वही मसाले मैं इस बर्तन में डाल करके पकाऊंगी। इसे मसाले को मैं अच्छी तरह से लाल होने तक भून लूंगी। इसे अच्छी तरह से भूनना है। देखिए, इस तरह से हम चलाते रहेंगे, 5 5 मिनट में ये हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से लाल हो जाए, मतलब कि ब्राउन जैसा हो जाए, लगे कि अब मसाले मेरे पक गए हैं, तो हम गैस बंद कर देंगे। तो अब देखिए, गैस बंद करने के बाद इसे हम ठंडा कर लिए हैं और इस तरह से मसाले को हम सारे में भर लेंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं बनानी हो तो आप पूरे करेले का भी बना सकते हैं। समूचे करेले को भी बीज से काट करके उसके बीजों को निकाल करके उसके बाद आप इसमें भर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम भरते जाएंगे।
इससे एक फायदा होता है कि हमें परोसने में ये बहुत आसान होता है, एक एक पीस करके हम आप सबको दे सकते हैं और ये बर्बाद भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखिए सबको भर लिए हैं। अब हम इसे देखिए एक तवे पे तेल डाल दिए हैं और तवे पे ही हम इसे पकाएंगे। आप कढ़ाई में इसे छान भी सकते हैं, पर छानने से अच्छा नहीं होता है, आप तवे पे ही इसे इस तरह से पकाएंगे हम। इसे एकदम हल्की आंच पे हम पकने देंगे दोनों साइड से इसे, जब जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसे हम पकाते रहेंगे। तवे पे या फ्राई पैन पे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके हम, और मेरे जो बचे हुए हैं मैं सारे को इस तरह से कर लूंगी। देखिए ये अब बिल्कुल हो चुका है, ब्राउन भी हो गया है और ये पक भी गया है। तो मेरे भरवा करेले अब तैयार हैं। आप इस तरह से इसे कोई बर्तन में फिर रख दें और एक एक करके आप सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें।